हाय फ्रेंड्स, टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारा पहला सवाल होने वाला है, कौन सी सब्ज़ी खाने से लंबाई तेज़ी से बढ़ती है। एग्जैक्टली ऐसी कोई भी सब्ज़ी है जिससे आपकी लंबाई तेज़ी से बढ़ सकती है। आपके ऑप्शन है सोयाबीन से, आलू से, पालक से या फिर गाजर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है, अगर आप पालक वगैरह खाते हैं ना तो आपकी जो लंबाई है वो तेज़ी से बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। आपके ऑप्शन है 24 तिल्लियाँ, 34 तिल्लियाँ, 44 तिल्लियाँ या फिर 14 तिल्लियाँ। तो तिरंगे का जो अशोक चक्र है उसमें 24 तिल्लियाँ होते हैं, वो किस कलर की होती हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी भरा होता है। एक्जैक्टली पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कितना होता है अभी देखते हैं। आपके ऑप्शन है 80%, 20%, 75% या फिर 25%। तो मनुष्य के जो दिमाग में है ना वो 80% तक पानी भरा होता है। एक्जैक्टली 80% तक उसके दिमाग में पानी भरा होता है। आपका अगला सवाल यहाँ पे रहने वाला है, खाना खाते समय पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है। ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती है। आपके ऑप्शन है शुगर हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, पथरी हो जाएगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपको कब्ज वगैरह की दिक्कतें हो सकती हैं। हमारा यहाँ पे अगला सवाल रहने वाला है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। सच में इंडिया तो नहीं है वो। आपके ऑप्शन है आइसलैंड, अमेरिका, चीन या फिर जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो जापान के लोग होते हैं ना वो बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए शायद वो आगे हैं। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल होने वाला है, रोज़ सुबह क्या खाने से दिमाग तेज होता है। बिल्कुल आपके ऑप्शन है पपीता, दाल, चना या फिर पालक। तो पपीता नहीं है इसका आंसर, जो सीधी सी बात है पपीता इसका आंसर नहीं रहने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है, अगर आप चने खाते हैं, पालक खाते हैं तो आपका जो दिमाग है ना वो तेज़ी से बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, किस चिड़िया की आवाज़ कोयल से भी मधुर होती है। आपके ऑप्शन है हंस की, बुलबुल की, कोरिया की या फिर बाज की। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है, जो बुलबुल होती है ना उसकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट सवाल होने वाला है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर दिल्ली में। केदारनाथ जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और एग्जैक्टली वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में क्या है, केदारनाथ मंदिर स्थित है। आपका अगला सवाल है, कौन सा पुष्प है जो 12 साल में एक बार खिलता है, केवल एक बार। आपके ऑप्शन है गुलाब का, वो हर रोज़ खिलता है, चमेली का, नीरकुंजी का, रात रानी का। रात रानी का भी हो सकता है, स्पेशल का रात रानी इज़ नॉट करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है, नीरकुंजी का जो फूल होता है वो 12 साल में एक बार खिलता है। हमारा अगला सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले कौन से राज्य में बना था। आपके ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, पर फिर भी मैं इसका आपको आंसर बताती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है, आधार कार्ड जो सबसे पहले है ना वो महाराष्ट्र में बनाया गया था। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर